क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये पैटर्न का क्वेश्चन है सो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं तो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी लेटर्स है ठीक so, है सो so, जब भी इवन नंबर ऑफ लेटर्स है तो पहला अप्रोच हमारा होगा कि इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे तो टेन टेन डिवाइड कर लेते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो यहाँ से डिवीजन हो जाएगा एक बार खींच लीजिए अब दो तरीका बताया था मैंने या तो दो हाफ़ हमारे हमारा क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे कि पहले हाफ के पहला लेटर को दूसरे हाफ के पहला लेटर से कंपेयर करेंगे अगर कुछ पैटर्न बनता है तो वही रहने देंगे अगर नहीं बनता है तो पहला हाफ के पहले लेटर को सेकेंड हाफ के लास्ट लेटर से ठीक है सो so, फर्स्ट वाला अप्रोच यूज़ करते हैं पहला हाफ का फर्स्ट लेटर ए है एंड सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर ए है चलिए कॉमन दिख रहा है सेकेंड वाले में देखिए कुछ नहीं है यहाँ बी है चलिए यहाँ कुछ नहीं बता सकते लेकिन थर्ड में देखिए यहाँ बी है यहाँ सी है तो यहाँ थोड़ा वॉयलेट हो जा रहा है क्योंकि ए और ए तो मैच हो रहा है पहला पोजीशन ए और ए लेकिन थर्ड पोजीशन बी और सी हो जा रहा है इसका मतलब ये अप्रोच काम नहीं करेगा तो अब हमें जाना होगा दूसरे अप्रोच में ठीक है सो दूसरा अप्रोच क्या होगा कि फर्स्ट लेटर को हम लोग लास्ट लेटर से कंपेयर करेंगे क्लियर है सो अब फर्स्ट लेटर क्या है हमारा ए है तो इसका लास्ट लेटर डी है तो एक हमारा क्या बना ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी आ रहा है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखे कुछ नहीं है यहाँ सेकेंड में तो इसमें भी कुछ नहीं है थर्ड है क्या बी है तो बी और सी आ रहा है मतलब बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी आ रहा, तो रहा? है ठीक मतलब है ये अभी तक अप्रोच चल रहा है देन सी देखिए यहाँ सी आया देन यहाँ इधर बी आया मतलब बी सी अभी चल ही रहा है बी के कॉरस्पॉन्डेंट सी है देन यहाँ डी आया फिर ए आया मतलब ए डी चल रहा है ये दोनों पैटर्न ही चल रहा है देन यहाँ कुछ नहीं है इस पॉइंट पर डी है तो अगर यही पैटर्न चलेगा तो यहाँ पर क्या फिट हो जाना चाहिए यहाँ ए फिट हो जाएगा ए और डी कॉम साथ में है और बी और सी है ठीक है ए डी है और बी सी है क्लियर है देन यहाँ बी आया और यहाँ कुछ नहीं है तो बी बी का कॉरिस्पॉन्ड है सी है तो यहाँ सी हो जाएगा एंड देन उसके बाद सब फिल है तो नहीं चेक करना है तो हमारा दो वैकेंसी फिल हो गया लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड हाफ एंड इंड से सेकेंड हाफ ये दोनों फिल नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि आंसर का फॉर्मेट क्या होगा यहाँ एक डैश है ए और सी फिक्स हो गया बीच में और लास्ट का दो पता नहीं है लेकिन लास्ट का दो दो ही चीज़ हो सकता है या तो ए डी होगा या तो बी सी होगा अब आंसर एलिमिनेट करते हैं ए सी देखेंगे कौन कौन से आंसर में ए सी है बीच में तो हमको दिख रहा है ए सी यहाँ दिख रहा है ए सी यहाँ दिख रहा है यही दो ऑप्शन में दिख रहा है अब देखेंगे अब देखिए यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में बी और डी है और बी और डी का कॉम्बिनेशन नहीं है बी और सी का है और सेकंड वाले में ए और डी का कॉम्बिनेशन है जो कि एग्जैक्टली ए डी का कॉम्बिनेशन है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये क्लियर है सेम अप्रोच था इजी क्वेश्चन था ये ऐसा क्वेश्चन मैंने काफी कराया है